वेलकम बैक टू माय गीक एंड नर्ड चैनल एंड ये स्टूडियो आई जस्ट केम इनसाइड द ऑस्टिन सर्विस सेंटर एंड मेरा बाइक के किलोमीटर हो गया है अभी 1228 किलोमीटर. सो दिस इज अ पेड सर्विस आफ्टर दिस इज द आई थिंक दिस इज द सेकेंड पेड सर्विस. वन थिंग आई हैव टू कन्विंस यू दैट आज का जो मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ ना, वो जो सर्विसिंग का जो मुझे ब्लॉग बना रहा हूँ, सभी के सभी ब्लॉग ये फ़ोन पे शूट कर रहा हूँ. मैं DSLR तो लेकर नहीं आया हूँ. एक्चुअली कोई प्लानिंग नहीं था आज, कुछ भी प्लानिंग नहीं था जी आज मैं ब्लॉग बनाऊँ. अचानक मैं इस पर इस जगह पर आया हूँ एंड आई थॉट दैट आई शुड मेक सम ब्लॉग्स और आई शुड गिव द इन्फॉर्मेशन व्हाट इज हैविंग इनसाइड दिस रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम इन माय बाइक. मैं सबसे आगे चलाया, अभी तो टाइम हो गया 8, लेकिन मैं इस जगह पर चलाया है 7:35 इन द मॉर्निंग. सो मैं एडवांस हूँ, सभी के सभी काम में मैं एडवांस हूँ. मेरा बाइक पर थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा मेरा बाइक के ऊपर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हुआ है एंड ये जो ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड अभी ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, तो ये थोड़ी तो दिक्कत है. एंड वन मोर थिंग, साइलेंसर का जो वो जो साउंड होता है ना, वो प्रॉपरली साउंड नहीं आ रहा है. तो दैट्स अ क्वाइट अनोइंग थिंग्स फॉर मी. ये जो इस बाइक का जो वो जो DLL लाइट है ना, वो ये जगह इसका ऊपर का लाइट कट गया है एंड नीचे का लाइट अभी भी है एंड दिस लाइट इज टोटली फाइन. आज बाइक का मोबिल भी चेंज करूँगा, कुछ चेन ऑयलिंग भी होगा एंड आई थिंक ये आई विल ऑल्सो वॉश दिस बाइक ऑल्सो. इस जगह पे जो भी बाइक्स है ना, सब नया बाइक्स है. जो भी बाइक्स कवर्ड हुआ है अभी, अब देखिए सारी के सारी बाइक्स सब नया बाइक्स है. कुछ कुछ बाइक्स पुराना है, कुछ कुछ बाइक सर्विसिंग के लिए है. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस सेंटर इन कोलकाता, दैट इज़ ऑस्टिन सर्विस सेंटर. एंड इन दिस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर ऑल द रॉयल एनफील्ड जो भी काम होता है, जो भी पर्स पर्स वगैरह जो भी काम होता है, सब इस जगह पे होता है. एंड दिस प्लेस इज फॉर द कार सर्विसिंग सेंटर, दैट्स अ हुंडई कार सर्विसिंग सेंटर दिस पर्टिकुलर एरिया. एंड दिस इज द एरिया फॉर आवर बाइक सर्विसिंग, दैट्स अ रॉयल एनफील्ड. जो भी काम होता है, जो भी काम होता है, सब इस जगह पे काम होता है. एंड देखिए सारी बाइक्स, मेनी मोर बाइक्स आर ओवर हियर फॉर सर्विसिंग. The workers, those who are working in this particular field, they are very much trustful. More than that, they are very much friendful. आपका जो भी problem है, खुल के बताओ, no problem will be happen and they will just work very much smoothly. My bullet is my bullet. आज का मौसम देखो, कितना गर्मी है आज, बाप रे बाप. ये देखो, no smoking zone, no smoking please. अगर स्मोकिंग करेगा तो तुम्हारा कैंसर भी हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है. सो डोंट स्मोक. आफ्टर 35-40 मिनट्स नाउ आई एम इन द कस्टमर लॉन्च. इट्स अ फुल एसी कस्टमर लॉन्च. सो बहुत थक गया अभी तो. आज तो गर्मी भी बहुत ही है आज. एंड ये जो कस्टमर लॉन्च है, बहुत ही सुंदर दिखता है. जो भी इस जगह पे है, कस्टमर लॉन्च, ऑफिस, रिसेप्शन, बिलिंग पेमेंट्स एरिया, बहुत सारी जगह, बहुत ही यूनिक जगह है. अभी से दो वर्कर आया है एंड थोड़ा पेट पूजा कर रहा हूँ, थोड़ा पेट पूजा. ये जो वेटिंग करने का जो तरीका है ना, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक फॉर वेटिंग. एंड सिर्फ अभी टाइम हो गया सिर्फ 8:30 इन द मॉर्निंग एंड काम तो शुरू तो नहीं हुआ है. आई डोंट नो व्हेन इट विल बी हैपन. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है. वो है मेरा बाइक, सर्विसिंग हो रहा है अभी. सो कस्टमर्स आर नॉट परमिटेड इन द वॉकिंग एरिया. तो मेरा कार का बाइक का सर्विसिंग ख़त्म हो गया अभी एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ टेफ्लॉन पॉलिश. तो अभी मेरे गाड़ी में टेफ्लॉन हो रहा है, टेफ्लॉन पॉलिश.
Now my bike is just getting ready. Okay. Looking super cooling, bro. It's super cool. And the servicing which they have done is almost perfectly alright. No such problem. And whatever the problems were before, almost gone. The vibration is not there now. This is my brand new Royal Enfield Classic 350. Now after servicing, the engine has become very much smooth, very much powerful. The performance has become excellent, it's astonishingly very good. So whatever I faced the problem in previous, but now it's become very much free, no problem regarding that. And especially if you're in Kolkata, then go to the Austin Service Center, which is in the Mallik Bazar place. It's very big, the workers are very much honest, very much friendful. Whatever you need, just tell to them and they will just listen. And one more thing I have to tell you, that after servicing, they again reservice that. They again reservice that, matlab, means ek baar to wo sab kuch dekh liya. Last jaane ke baad time mein, mere bike almost aur ek baar dekh liya. Arre, Kolkata ke raaste pe vlogging karna bahut hi mushkil ho jata hai. Aise log aise karke dekh leta hai. Kya kar raha hai ye banda pagal hai kya? So now I will just test the silencer, how it sounds after the service. So after coming from service center, I just got bath and the time is around the 2 p.m. in the afternoon. And yes, servicing bahut hi achcha hua hai. The moreover that after going out from the service center, when I just ride the bike, na, the bike has become very much smooth, very much powerful. The torque has become so much good. And moreover that the clutch was not that very much great. It was very much tight previous, but now the clutch has become very much free. So it's my request to you all that before riding a bike, please do wear the helmet. I know that bahut sari to safety nahi hua hai helmet mein, lekin jo bhi hai wo to hai na, aapka thoda bahut jaan to bach sakta hai. So it's my request to you that please do wear the helmet. Aapke ghar mein aapke liye koi na koi to wait kar raha hai na. So please, it's my request to you all. And aaj jo means bahut sare aise accident ho raha hai, it is very much dangerous now to take the bike in outside. So it may happen to you or may not, but safety is the must. So this is all about for today. I hope if you have any question regarding this video, please do let me know in the comment box. So thank you. Till now, bye bye. Jai Hind and Bande Mataram.